Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about scarcity, choice and opportunity costs. First of all, we will define scarcity, choice and opportunity costs one by one, and then we will discuss what is the relationship between scarcity, choice and opportunity cost, how all of these three variables are related to each other. So first of all, what is the scarcity? As we know, resources are limited, human wants are unlimited, and this gives the problem of the scarcity. ये हमने पिछले भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि हाँ एक फर्द हो या कि पूरी कौम, हर फर्द को इसी मसले का सामना है कि उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, जबकि उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं. इस दुनिया में एक फर्द हाँ कितना ही अमीर क्यों ना हो या कोई नेशन कितनी ही अमीर क्यों ना हो, उसको इस मसले का हमेशा सामना होता है कि उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, जबकि उनको उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं. गोया हमारे सामने स्केर्सिटी का मसला पैदा होता है. इसी प्रॉब्लम को यानी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से स्केर्सिटी का प्रॉब्लम राइज करता है. स्केर्सिटी इज द चॉइस Where limited resources are insufficient to produce goods and services to satisfy human wants, because human wants are unlimited. वो हम कह सकते हैं कि scarcity तरकीकत में एक ऐसी situation का नाम है जहां human wants कि जो unlimited human wants हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको satisfy करने के लिए हमें जितनी goods and services चाहिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं होते. जब हमें इनसफिशिएंट रिसोर्सेज का सामना हो एज कंपेयर टू आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तो हम कहते हैं हमें स्केर्सिटी का मसला है. जैसे कि आप देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स क्या उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस दुनिया के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं? तो यकीनन ऐसा नहीं है. अब अगर ह्यूमन वांट्स की जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं अगर उनको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हैं, तो इसका मतलब है स्केर्सिटी का मसला जो है वो मौजूद है. फिर स्केर्सिटी चॉइस को जन्म देती है. स्केर्सिटी नेसेसिटी से चॉइस. अब स्केर्सिटी के साथ चॉइस का मसला कैसे पैदा होता है? अब देखिए, जब हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास वसाइल जो हैं वो महदूद हैं, तो इसका मतलब है हमें चॉइस करना पड़ेगी कि किन ख्वाहिशात को हम पहले पूरा करें और किन को जो है वो बाद में. जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसी ही है, जैसे आप एक छोटे बच्चे को बाजार लेके जाएं और आप उससे पूछें कि क्या आप चिप्स लेना चाहते हैं या कि जूस, तो वो बच्चा भी उस वक्त फौरन समझ जाता है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड ही हैज टू मेक अ चॉइस. तो ये वो मसला है कि जिसके तहत हम कह सकते हैं कि स्केर्सिटी नेसेसिटेट्स चॉइस. स्केर्सिटी के साथ हमेशा चॉइस का जो है वो इशू भी पैदा होगा. आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को पहले पैदा किया जाए और कौन सी सर्विसेज को बाद में, इसलिए कि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं एज कंपेयर टू योर वांट्स लिमिटेड हैं. इन अदर वर्ड्स, Due to the scarcity and hence the inability to produce all goods and services, society must choose what goods and services to produce. और इसी तरह अगर हम इसको पूरी सोसाइटी या पूरी नेशन या पूरी इकोनॉमी पर अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि हर इकोनॉमिक सिस्टम को चॉइस करना पड़ती है कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को या तो वो छोड़ दे या फिर उसको आने वाले वक्त में जबकि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के कदरे बेहतर लेवल पर होगा उस वक्त प्रोड्यूस करे. चुनाचे स्केर्सिटी जो है वो गुड्स एंड कमोडिटीज की जो हमारी वांट्स होती हैं उनके मुकाबले में रिसोर्सेज के लिमिटेड होने को कहते हैं. गोया लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्केर्सिटी एंड स्केर्सिटी लीड्स टुवर्ड्स द चॉइस.
In the same way, the third important topic here is the opportunity cost. Opportunity cost of action is the benefit foregone by not choosing its next best alternate. Opportunity cost. जब भी आप कोई एक एक्शन जो है उसको चूज करते हैं, उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? किसी भी एक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दरहकीकत में वो बेनिफिट होता है जो कि आप उसका जो दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट जो एक्शन होता है उसको चूज ना करने की सूरत में आपको छोड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप या तो जो है वो वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आपकी चॉइस ये है कि आप वीट प्रोड्यूस कर लें, तो जाहिर है अब आप एप्पल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एप्पल का प्रोड्यूस होना ना है, गोया कि एप्पल के प्रोड्यूस होने से आपको जो बेनिफिट्स हासिल हो सकते थे जो कि वीट पैदा होने की सूरत में हासिल नहीं हुए, वो सब के सब एप्पल के बेनिफिट्स वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएंगे। सो व्हेन अ चॉइस इज मेड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इनकर्ड। अब आप देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है। द फर्स्ट वन, देयर इज द स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्रिएट्स चॉइस एंड चॉइस क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्केर्सिटी क्या थी? स्केर्सिटी इज के देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज। हाउ वी कैन फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको हमेशा चुनाव करना पड़ेगा, हमेशा कोई एक जो है जो ख्वाहिशात आपके नज़दीक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वांट्स हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। गोया आपको चॉइस करना पड़ेगी, और जब आप चॉइस करेंगे तो फिर यहाँ जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैदा होगी। अपॉर्चुनिटी क्या होगी? जिस कमोडिटी को आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कमोडिटी है जिसको आपने प्रोड्यूस नहीं किया। जो भी अल्टरनेटिव बेस्ट आपके पास अल्टरनेटिव है उसके तमाम तर बेनिफिट्स उस पहली कमोडिटी के जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सो वी मे से व्हेन सोसाइटी चूजेस व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, इट इज चूजिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टू प्रोड्यूस। इट इज अ वेरी वेल सेड, बिकॉज जब एक सोसाइटी ये फैसला करती है कि उसे कौन सी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो दरहकीकत बयक वक्त वो ये भी फैसला कर रही होती है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करनी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, वो उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो वो प्रोड्यूस करती है उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे मेजर जो हैं वो वेरिएबल्स हैं आज के लेक्चर की, scarcity, choice and opportunity cost। जी students, अब हम देखते हैं the production possibility curve। production possibility curve, इन तीनों के combination से हमें production possibility curve हासिल होगा। the production possibility curve shows all the combinations of two goods that can be produced in the economy when resources are fully and efficiently employed given the state of technology, assuming the economy can only produce the two goods। अब हमने देखा कि हमने कैसे स्केर्सिटी से चॉइस और चॉइस से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक का सफर किया। अब इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई सी भी दो कमोडिटीज, अब हमने यहाँ सिर्फ दो कमोडिटीज क्यों ली हैं, हालांकि किसी इकोनॉमी में सिर्फ दो कमोडिटीज पैदा नहीं होती, दो गुड्स पैदा नहीं होती, लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ मॉडल हमने ये अज्यूम किया कि एक इकोनॉमी में अगर सिर्फ दो कमोडिटीज पैदा होती हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो कमोडिटीज के उन तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन पर मुश्तमिल होता है जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। अगर वो अपने तमाम तर रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय कर रही हो, मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रही हो, और ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर बल्कि एफिशिएंटली उनकी पूरी इस्तेदाद के साथ, उनकी पूरी एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर रही हो और फुली एम्प्लॉय
डिसाइड हो सबके सब, यानी कि कोई भी उसका प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बेकार पड़ा हुआ ना हो। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो पेश किया जाता है स्टैटिक सिचुएशन में पेश किया जाता है, जबकि जो टेक्नोलॉजी की स्टेट है, टेक्नोलॉजी का मयार जो है वो नहीं बदलता। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का मयार बदलता रहे, क्योंकि जाहिर है ये एक डायनामिक फैक्टर है, तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको इतनी आसानी के साथ बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भी बहुत तेजी से तब्दीलियाँ आएंगी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमने कहा अगर सिर्फ टू कमोडिटीज हों, तो अगर हम अज्यूम करें कि अगर एक इकोनॉमी में ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और बस एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर इकोनॉमी अपने तमाम तर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज की प्रोडक्शन में लगा दे और एप्पल बिल्कुल प्रोड्यूस ना करे, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 20,000 ऑरेंज प्रोड्यूस कर सकती है। या वो ऑरेंज अगर बिल्कुल प्रोड्यूस ना करे और अपने सारे के सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स प्रोड्यूस करे, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 1,20,000 एप्पल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब उसके सामने क्या है, चॉइस है, स्केर्सिटी का मसला तो हमारे सामने आ गया। क्या स्केर्सिटी इस तरह है कि वो दोनों चीज़ें, यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो 20,000 ऑरेंज भी प्रोड्यूस कर ले और 1,20,000 एप्पल्स भी प्रोड्यूस कर ले, दोनों को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। स्केर्सिटी का मसला है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं ये, लेकिन रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। तो अब हमारे पास है चॉइस, उसको चॉइस करनी है, या तो वो ऑरेंज प्रोड्यूस करे या वो एप्पल प्रोड्यूस करे, और अगर चाहे तो वो फिर ऑरेंज और एप्पल्स दोनों की थोड़ी थोड़ी मिकदार प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कुछ ऑरेंज प्रोड्यूस कर ले कुछ एप्पल प्रोड्यूस कर ले। लेकिन एक बात तय है कि अगर वो ऑरेंज को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगी, ऑटोमेटिकली इट मस्ट प्रोड्यूस फ्यूअर एप्पल्स, उसको जो है वो एप्पल्स को कम मिकदार में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर वो एप्पल ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहे तो ऑटोमेटिकली वो ऑरेंज को कम मिकदार में प्रोड्यूस कर सकेगी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर नहीं जा सकती। एक इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर तो रह सकती है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने तमाम तर रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC कर्व से बाहर नहीं जा सकती। बाहर का मतलब ये है कि वो उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। जैसे कि अब इस इकोनॉमी की जिसकी हमने मिसाल ली, उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या है, या तो वो 20,000 ऑरेंज या 1,20,000 एप्पल हैं, या इनके बहुत से कम्बिनेशन हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या वो इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो इससे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जी अब इसमें देखिए, हम इसी सिचुएशन को जो है वो एक ग्राफ की सूरत में जो है वो बयान करते हैं। यहाँ हमने तीन कॉलम्स बनाए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करने के लिए। यहाँ तीन हमने जो है वो कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है। हमने ये पॉसिबिलिटीज जो हैं सिक्स जो हैं वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दी हैं, A, B, C, D, E, F। और यहाँ हम वीट की प्रोडक्शन को मेजर कर रहे हैं, ये हम थाउजेंड में जो है थाउजेंड क्विंटल्स में जो है वो मेजर कर रहे हैं। इसी तरह हम कॉटन की प्रोडक्शन को हमने तीसरे कॉलम में जो है वो शो किया है, और इसको भी हमने थाउजेंड्स क्विंटल्स में शो किया है, यानी ये हमारी जो है वो क्वांटिटी है। यानी यहाँ एक फिगर जो है वो 1,000 जो है वो क्विंटल्स को शो करेगा। पॉइंट ए शो कर रहा है कि अगर ये इकोनॉमी अपने तमाम तर रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ कॉटन की प्रोडक्शन में लगा ले और वीट बिल्कुल प्रोड्यूस ना करे, तो वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है, वो मैक्सिमम 15 क्विंटल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए ये तभी मुमकिन होगा कि जब वो वीट बिल्कुल प्रोड्यूस ना करे, उसने अपने तमाम तर रिसोर्सेज को फुली इम्प्लाई किया, यानी उसके पास कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेकार नहीं पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुली इम्प्लॉयड किए हैं और सबके सब रिसोर्सेज को वो एफिशिएंटली इस्तेमाल किया है। या एक आखिरी जो है वो कम्बिनेशन क्या हो सकता था कि वो कॉटन बिल्कुल प्रोड्यूस ना करे, जो इस कम्बिनेशन की बिल्कुल उल्ट है, एफ कम्बिनेशन जैसे कि ये यहाँ जाहिर कर रहा है। इस पे आप देखिए कि वीट की जो प्रोडक्शन है वो 5 क्विंटल्स है, ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि कॉटन बिल्कुल प्रोड्यूस ना की जाए। इसके अलावा
गोया एक कम्बिनेशन में वो सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस कर रही है और वीट प्रोड्यूस नहीं कर रही, या एफ कम्बिनेशन में वो सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रही है या और कॉटन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रही। या तो ये दो कम्बिनेशन मुमकिन है, या फिर इनके दरमियान ई और एफ के दरमियान बहुत सारे कम्बिनेशन मुमकिन है जिसमें वो वीट भी प्रोड्यूस कर रही है और उसके साथ साथ जो है वो कॉटन भी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि बी कम्बिनेशन शो कर रहा है कि या तो वो वीट के 1000 क्विंटल्स पैदा कर ले और कॉटन के 1400 क्विंटल्स पैदा कर ले, तब भी वो अपने रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। या सी कम्बिनेशन शो कर रहा है कि अगर वो अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय करे तो वो वीट के 2 और कॉटन के 12 क्विंटल्स प्रोड्यूस कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारा जो डी कम्बिनेशन है ये भी शो कर रहा है कि वीट के 3 और कॉटन के 9 क्विंटल्स पैदा करके भी वो अपने रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। गोया यहाँ उसके पास अब चॉइसेस हैं। पहले बात तो हमारे पास स्केस्टी है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त जो है वो 5 जो वीट है क्विंटल्स और जो है 15 क्विंटल्स जो है वो कॉटन प्रोड्यूस कर सकें, बल्कि हमें क्या करनी है, हमें यहाँ जो है वो चॉइस करनी है। या तो हम जो है वो 15 क्विंटल्स कॉटन पैदा करेंगे और 5 क्विंटल्स जो है वो वीट प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम इनके बहुत से कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि बी सी डी और ई कम्बिनेशन बताते हैं। अब यहाँ स्केर्सिटी का तो मसला है, हम सारी के सारी कमोडिटीज बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब दूसरा मसला है, हमें चॉइस करनी है कि हम कौन सा कम्बिनेशन लें, यानी हम ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास 6 कम्बिनेशन हैं। हम इन 6 कम्बिनेशन की मदद से जो है कौन सा जो है वो कम्बिनेशन हासिल करें, यहाँ हमें जो है वो चॉइस करनी है। दरहकीकत यही जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि हमने उसकी पीछे डेफिनेशन देखी कि अगर हम इन सारे के सारे अगर हम तमाम तर रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूज़ करें, गोया एक इकोनॉमी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ पैदा करें, तो वो इन दोनों कमोडिटीज़ की कितनी कितनी मिकदार जो है वो पैदा कर सकती है, ये उसका जो है वो पोटेंशियल है कि वो मैक्सिमम जो है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है। इन ही तमाम कम्बिनेशन से मिलकर एक, अब जब हम तमाम कम्बिनेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो फिर इससे क्या बनेगा, इससे हमारा जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा जो यकीनन नेगेटिवली स्लोप होगा। नेगेटिवली स्लोप या कर्व क्यों होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम वीट की मिकदार को बढ़ा रहे हैं लास्मन हमें जो है वो कॉटन की मिकदार को कम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और अगर आप जो है इस ग्राफ को उल्टा के देखें कि अगर हम कॉटन की मिकदार को अगर हम जीरो से स्टार्ट लें और कॉटन की मिकदार को हम बढ़ाते जाएं तो लाजमी हमें वीट की मिकदार को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में ही जो है हम अपने रिसोर्सेज, हमारे पास उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जी सुनिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने देखा इसमें, अब आगे हम इसका जो है वो ग्राफ देखते हैं। जी इसकी ये अगली स्लाइड निकालते हैं हम अभी। ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमने उन्हीं वैल्यूज की मदद से बनाया है। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ क्लॉक मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम यहाँ वीट मेजर कर रहे हैं। आप देखिए कम्बिनेशन ए, कम्बिनेशन ए शो कर रहा है कि हमारे पास क्लॉथ हम बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये देखें क्लॉथ पर क्या है जीरो, और जो है वाई कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई है 15। और बी कम्बिनेशन शो कर रहा है गोया हम या तो ए कम्बिनेशन के हम सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोड्यूस करें और जो है वो क्लॉथ बिल्कुल प्रोड्यूस ना करें, या फिर एफ कम्बिनेशन के हम
सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ प्रोड्यूस करें, यानी 5,000 क्वांटल जो है वो क्लॉथ पैदा करें, और जो है वो वीट बिल्कुल प्रोड्यूस ना करें, या इसके बहुत सारे जो हैं वो कम्बिनेशन मुमकिन हो सकते हैं, जैसे कि बी सी डी और ई, जो कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन बता रहे हैं। जैसे कि पॉइंट बी बता रहे हैं कि आप, ये भी मुमकिन है कि आप अपने उन्हीं मखसूस जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से वीट के 14 और क्लॉथ के जो हैं वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर, क्लॉथ के जो हैं वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लें, या सी कम्बिनेशन बता रहा है कि आप इसके क्लॉथ के 2 और वीट के जो हैं वो 12 यूनिट प्रोड्यूस कर लें। इसी तरह पॉइंट ई शो कर रहा है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से क्लॉथ के 4 और जो है वीट के 5 यानी कि 1,000 क्वांटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, इन तमाम कम्बिनेशन को मिला लें तो हमें एक कर्व हासिल होता है जो कि कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जी स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये इन्हीं तमाम तर नुकात की मदद से बना है जो कि हमने पीछे टेबल में बनाए थे। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि इस दफ़ा इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पहली दफ़ा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि पहले से ही इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं उनको पता है कि ये बहुत ही आसान सा काम है। जी स्टूडेंट्स, ये जो ए बी सी डी की मदद से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया गया है, ये शो करता है कि इकोनॉमी जो है अगर अपने फुल पोटेंशियल से तमाम तरह रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करे तो बस इस लाइन पर जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। सोर्स इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके अंदर भी अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे बड़ी आसानी के साथ एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन ये अंडर प्रोडक्शन लेवल है। यहाँ यकीनन प्रोडक्शन लेवल जो है, क्योंकि इस खत से नीचे हैं सबके सब पॉइंट्स, प्रोडक्शन लेवल कम है, इसको इकोनॉमी आसानी से प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उस वक्त वो अपने रिसोर्सेज को ना तो मुकम्मल तौर पर यानी फुली इम्प्लॉय कर रही होती है और ना ही एफिशिएंटली इम्प्लॉय कर रही होती है, बल्कि उसके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, वो अंडर प्रोडक्शन का शिकार होती है, थोड़ा प्रोड्यूस कर रही होती है। जबकि इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ यहाँ इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सब के सब जाहिर है मोस्ट डिजायरेबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस पर प्रोडक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन दर हकीकत में ये किसी इकोनॉमी के जो है वो दायरे इख्तियार से बाहर हैं, क्योंकि ये उसके जो है वो इनको हासिल तो करना चाहती है, इनको अटेन करना चाहती है, बट दे आर कॉल्ड दी अनअटेनेबल पॉइंट्स। इसलिए वो अनअटेनेबल हैं क्योंकि इकोनॉमी को इनको हासिल करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, वरना जो है ये पॉइंट जो है वो हासिल नहीं किए जा सकते। जी स्टूडेंट, ये जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब इसमें देखिए कि हम इसकी जो है वो मज़ीद यहाँ डिटेल देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी डी पॉइंट्स, यहाँ मैंने इसकी कुछ डिटेल जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ सेट की है। ए बी सी डी एंड एफ पॉइंट्स आर द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वीट एंड क्लॉथ that the economy can produce using its resources not only fully but also efficiently. So here the problem scarcity is shown on that production possibility curve, because scarcity is reflected by the unattainable points that lie outside the PPC curve. ज़ाहिर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हम उन्हें जितना भी हासिल करना चाहें, लेकिन जब तक हमारा टेक्नोलॉजी का मैार नहीं बदलता और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी नहीं बदलती हम उन्हें हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह चूंकि अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला क्या है, जिस चीज़ का पैदा होता है चॉइस का, क्योंकि अब रिसोर्सेज चूंकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, बहुत सारे हमारे पास कम्बिनेशंस हैं जो कि हम एक मखसूस अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हुए ए बी सी डी ई, ये पांच जो छह कम्बिनेशन है इनमें से कोई भी कम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा कम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब यहाँ हमें जो है वो चॉइस करनी है। सो चॉइस इज रिफ्लेक्टेड बाई द नीड फॉर सोसाइटी ऑफ चूजिंग अमंग द सीरीज ऑफ पॉइंट्स ऑन द पी पी सी, फॉर एग्जाम्पल सच एज पॉइंट सी या पॉइंट डी, हमें कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या पॉइंट सी पर प्रोड्यूस करें या पॉइंट डी पर प्रोड्यूस करें। चुनाचे यहाँ हमें जो है वो एक चॉइस करनी है। अब हम जो भी चॉइस कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट सी को चूज कर लेते हैं, तो पॉइंट डी को चूज करने पर हमें जितने भी बेनिफिट्स हासिल हो सकते थे जो कि ज़ाहिर अब हासिल नहीं हुए क्योंकि हमने तो पॉइंट सी चूज़ कर लिया है, चुनाचे वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि अगर हम पॉइंट डी चूज़ करते और हमें हासिल होते
वो पॉइंट सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाते हैं। इसी तरह जो है पॉइंट अगर हमने बी को सिलेक्ट कर दिया और पॉइंट ए को छोड़ दिया तो पॉइंट बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दर हकीकत वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि अगर हम पॉइंट ए को चूज़ करते तो हमें हासिल होते। अब वो चूँकि हमें हासिल नहीं हुए क्योंकि हमने पॉइंट ए के बजाय पॉइंट बी को चुना है, चाहे वो पॉइंट बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएंगे। बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड बाई द नेगेटिव स्लोप ऑफ पीपीसी विच इंडिकेट्स डेट एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड लीड्स टू द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। अगर आप एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन के बारे में सेक्रीफाइस करना।